हेलो वही वेलकम टू बॉलीवुड टॉप सो वही शो तारक मेहता का उल्ड एसमा के रिसेंट स्टोरी में सोडी और पत्र का पोपर लाल ने जेठ हलाल को बहुत सारे सबूत दे दिए जैसे कि जेठ हलाल को इस बात पर विश्वास हो जाए कि वो लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं हालांकि मोबाइल में क्लिप्स देखने के बावजूद भी जेठ हलाल को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मोबाइल में जो दिख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि चंपक लाल ही है क्योंकि हो सकता है कि वो कोई चंपक लाल का हम शक्ल हो जो कि हो उनकी तरह लगता हो और सोडियो पोपड़ लाल ने किसी और को देख लिया लेकिन जब तारक मेहता ने यह बात बोली कि उन सब लोगों ने खुद गोकुलदम सोसाइटी में चंपक लाल को नशे की हालत में देखा है तो जेठालाल को इस बात पर विश्वास हो गया और इस, इस बात का पता लगाने के लिए जेठालाल आगे बढ़ते हैं कि क्या सच में चंपक लाल ने दारू पी है या फिर जो हम सब लोग देख रहे हैं वो सब कुछ गलत है क्योंकि जेठालाल इस बात को मानने के लिए तैयारी नहीं है कि चंपक लाल ऐसा कर भी सकते हैं और इसके बाद के जब जेठलाल चंपक लाल से डायरेक्ट इस बारे में बात करने के लिए बोलता है तो तारक मेहता और बाकी लोग साफ साफ मना कर देते हैं कि ऐसे डायरेक्ट उनसे बात करना सही नहीं है हमें उनका पीछा करते हुए चुपचाप इस बात का पता लगाना है कि आखिर इन सब के पीछे का माजरा क्या है एंड इस आने वाली स्टोरी में जेठलाल चंपक लाल को रंगे हाथों रेस्टोरेंट में पकड़ने वाला है और इसके बाद के सारा राज खुल जाएगा कि आखिरकार चंपक लाल ने दारू की पार्टी शार्टी क्यों की है